इसमें सब हो गया पिछला दिन जिसके कोई देखो कि देखो कल भी नहीं कर सकता दीक्षा कैसे लेते 50 पिक्सल गाइड चाहिए और तरफ गाइड ना तो भी ना तो नहीं पता कि तो कल भी देखा था जिसमें गाइड आज का टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहेगा रीटचिंग का, मतलब हम रीटचिंग कर सकते हैं, फोटो रीटचिंग करनी है, लाइक किसी के पिंपल्स रिमूव करने हैं, कोई प्रोडक्ट है प्रोडक्ट पे कोई मार्क्स लग गया है मार्क्स रिमूव करने हैं, वो सब चीजें हम इसमें कर सकते हैं। सबसे पहले ना फेस रीटचिंग से स्टार्ट करते हैं। तो लाइक मुझे ना क्या करना है, जैसे पिंपल्स है, ये पिंपल्स ना रिमूव करने हैं, ठीक है। तो चलो मैं ये वाली फोटो ले लेता हूँ, तो एक काम करते हैं ये वाली इमेज लेते हैं, कॉपी इमेज और फोटोशॉप में जाते हैं। ठीक रहेंगे, थोड़ी कर लेंगे, ठीक है। मुझे इसके पिंपल्स रिमूव करने हैं, ठीक है। काफी सारे टूल है, टूल्स के पहले नाम लिख लो जो जो टूल हम यूज कर सकते हैं। पहला टूल है हमारे पास क्लोन टूल, नहीं रिकॉर्डिंग में नहीं है, आज रिकॉर्डिंग हो नहीं रही। क्लोन टूल यूज कर लिया करते हैं क्या, ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। एक है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, एक है हीलिंग ब्रश टूल, एक है हमारे पास पेस्ट टूल, एक है कंटेंट अवेयर टूल। अरे टूल आज कर ले, तो सबके काम ऑलमोस्ट सेम ही है। क्लोन टूल की शॉर्ट की है S, स्पॉट हीलर ब्रश टूल की शॉर्ट की है J, इसकी शॉर्ट की भी J है और इसकी पेस्ट टूल की भी शॉर्ट की J है। J का मतलब उसके अंदर मिलेगा सारे। कंटेंट अवेयर की शॉर्ट की शिफ्ट F5 है। ये चार पांच टूल है हम ये कवर करेंगे। फोटो मेरे पास देखो ये है, मुझे क्या करना है इनके पिंपल्स रिमूव करने पहले, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लोन टूल से, ये काफी अच्छा टूल है, इसकी शॉर्ट की S है। इसमें करना क्या होता है, आपको ना ब्रश का साइज जो है वो उतना ही रखना है जितना पिंपल का साइज है, और ब्रश का साइज कम ज्यादा किससे होता है, ब्रश का साइज कम करने के लिए ये वाली की होती है और बढ़ाने के लिए ये वाली की होती है, ठीक है। तो हमने ये साइज सेट कर लिया और ऑल दबा के क्लिक करना है यहाँ पे और नॉर्मल क्लिक नॉर्मल यू छोड़ देना है। तो देखो वो पिंपल रिमूव हो गया, ऑल्ट से हो क्या रहा है पिक हो रहा है ये, और नॉर्मल क्लिक पे ऐसे रिलीज हो जाएगा ये देखो। ऑल दबा के पिक करना है और नॉर्मल क्लिक करके छोड़ देना है। पड़ा जो क्लीन जगह है वहां पे पहले पिक करना है, वहां से ऑल्ट दबा के और नॉर्मल क्लिक पे ऐसे छोड़ देना है।
तो उसके उससे कवर कर देना है ना। ठीक है, नाम क्या है इसका? क्लोन टूल। ठीक है, ये फोटोग्राफर यूज करते हैं, जैसे किसी के पिंपल्स होते हैं या फिर किसी वाले जो फोटो क्लिक करते हैं। हाँ हाँ किसी के जैसे क्या नाम है, बाल आ रखे होते हैं फेस के ऊपर, तो वो सब इससे रिमूव कर लेते हैं, रिंकल्स रिमूव हो जाएंगे इससे। ठीक है, पर उतना जितना डिटेलिंग से करोगे उतना ही अच्छा आएगा। आपको डिटेलिंग से कैसे करना है, पहले पिक करना है, बिल्कुल पास से लेना है, ऐसा नहीं करना आपने यहाँ से लिया और यहाँ प्लेस कर दिया, ऐसे नहीं करना आपने, बिल्कुल पास, हाँ बिल्कुल पास से लेना है और यहाँ पे ऐसे ही प्लेस कर देना है इस तरीके से। हाँ तो एक टूल तो हमने ये यूज कर लिया, कई सारे टूल है, सबका काम ऑलमोस्ट सेम ही है। पहला टूल हमने देख लिया क्लोन टूल, क्लोन स्टेम टूल है इसका नाम। दूसरा टूल है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, ये बनाई सिर्फ इसी के लिए पिंपल रिमूव करने के लिए, इसके तो बहुत भी और भी काम है पर ये सिर्फ इसी के लिए है ऑलमोस्ट। तो आप देखो बस ऐसे क्लिक करना है, अपने आप गायब हो जाएगा। दोनों में से दोनों ही अपनी अपनी जगह अलग अलग काम करते हैं। इस स्पॉट हटाने तो इसके लिए ये भी चल जाएगा, ये भी ठीक है इसके लिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एडिटिंग लगे, कर सकते हैं इसका भी पर बड़े बड़े केस के लिए हुआ ना। हाँ और मतलब अच्छा डिजाइन के लिए उसके लिए क्लोन टूल अच्छा है। हाँ तो वो हो रहा है ना, वो चीज तो आपको ध्यान देनी है कि ऐसा ना लगे कि पैच लग गए। हाँ ठीक है, चलो ये हो गया हमारा दूसरा टूल। तीसरा टूल देखते हैं, एक टूल और है हमारे पास, उसका नाम है पैच टूल। पैच टूल इसी के अंदर भी लेगा, या शिफ्ट जे दबा सकते हो, शिफ्ट जे दबाओगे तो आ जाएगा। देखो दूसरा तीसरा टूल ये रहा, ये क्या काम करता है, ये इसका भी ऑलमोस्ट सेम ही काम है, जैसे कि मुझे कहीं हाँ क्लोन वाला जैसा ही काम है इसका भी। तो देखो इसमें जैसे मुझे क्या करना है, ये डॉट हटानी है, ये जो आ रहा है इसके ऊपर, तो इतना एरिया पिक कर लेंगे और नॉर्मल यू ना सही एरिया पे ड्रैग कर देगा ऐसे। ये देखो गायब हो गई, चपटी सी हो गई पर ये, और यहाँ से ऐसे ड्रैग कर लेंगे तो ये आ गई, नाक पर खराब हो गई। ठीक है, तो इसका ये काम होता है। तो आपको जैसे कोई चीज हटानी है, यहाँ से इतना सिलेक्शन किया, ऐसे सही एरिया में जाके प्लेस कर देना है। ठीक है, छोड़ देना होगा। हाँ तीसरा टूल, ठीक है समझ में आया। एक और टूल है कंटेंट अवेयर टूल, उसकी शॉर्ट की शिफ्ट F5। शिफ्ट F5 करेंगे ये बहुत काम आता है। कंटेंट अवेयर का ऑप्शन यहाँ आ जाएगा, आपको ओके कर देना है। तो देखो गायब हो गया, हो गया, ये बहुत काम आता है। अभी इसे यूज करके देखेंगे तो देखो ये फोटो देखो क्या हो गई, इस तरीके से हो गई। अभी ओरिजिनल देखते, ओरिजिनल कैसे है, एक सेकंड। अच्छा
एक सेकंड रुकना। हो गया, समझ में आ गया। अब इसके बाद हम आते हैं अच्छा, तो देखो ये सारे टूल थे। एक बार ओरिजिनल इमेज देख रहे थे कैसी थी। देखो पहले ओरिजिनल इमेज जो थी वो ये थी, और अभी हमने ऐसे ही कर दिए से, ठीक है, फर्क आ गया ना। अब एक काम करते हैं, स्किन को सॉफ्ट कर लेते हैं। तो स्किन को सॉफ्ट करने के लिए मैंने कंट्रोल जे कर लिया इसको डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट करने के बाद आपने क्या करना है, फिल्टर में जाना है। फिल्टर में एक ऑप्शन है ब्लर, और ब्लर में एक ऑप्शन है सरफेस ब्लर। सरफेस ब्लर को यूज करना है। वो जो आता नहीं एप्लीकेशन ब्यूटी ऐप जो आता है ब्यूटी प्लस, वो क्या करते हैं, वो भी ना जो एरिया खराब होता है उनको ब्लर मार देते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ ब्लर मार दिया इस तरीके से, ठीक है। तो ज्यादा ब्लर हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप ब्लर मार दो, देख लो अमाउंट उसका कितना है और ओके कर देना। तो ये ऐसा कुछ हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, ब्लर हो गई है पूरी इमेज, पर इतना ब्लर नहीं चाहिए था मुझे। तो मैं क्या करूंगा, इस लेयर को ना मास्क कर दूंगा, और जो नीचे वाली लेयर है ये वाली लेयर देखो ऐसी वापस आ गई। इस लेयर पे क्लिक करूंगा और अगेन मैंने बी दबाया। जहां जहां मुझे स्किन खराब है ना, वहां वहां पे मैं ब्रश चला लूंगा व्हाइट कलर का। ठीक है, ठीक है। और थोड़ा सा स्किन यहाँ ले लेते हैं, चलो देखो मैंने क्या करा, जहां जहां मुझे नीड थी वहां वहां मैंने ब्रश चला दिया, ठीक है। अभी देखो पहले इमेज जो थी वो ये थी, अब इमेज इस तरीके से हो गई है, फर्क आ गया ना, ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, सरफेस ब्लर का यूज कर लिया, ठीक है। कितना अमाउंट चाहिए, हाँ बस इतना एरिया किया ये वाला, ये देखो मैं अगर इसकी आई सॉफ्ट करता हूँ तो इतना एरिया लिया मैंने बस, ठीक है। इतना एरिया मैंने इसके ऊपर रख दिया ताकि ये क्या हो गया, जो स्किन खराब है वो वाली कवर कर दी इसने, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद आते हैं, तो ये तो बन गया। अब मुझे थोड़ा बहुत और रिटचिंग करनी है, मतलब कलर करेक्शन करनी है। तो कलर करेक्शन करने के लिए आप ना यहाँ पे एडजस्टमेंट में चले जाना, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कलर लुकअप, और एक ऑप्शन होता है कलर बैलेंस। तो कलर बैलेंस यूज करेंगे, और यहाँ पे रेड का अमाउंट के साथ काम करेंगे। देखो कितना अमाउंट चाहिए, येलो का अमाउंट कितना चाहिए, ऐसे कलर के साथ काम करना आपने, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास ये कलर। थोड़ा मुझे इसे गोरा करना है, तो मैं यहाँ पे ये जाऊंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। एक ऑप्शन है ब्राइटनेस का, ये हाँ ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। तो देखो ब्राइटनेस को मैं ऐसे बढ़ाऊंगा तो देखो ये स्किन इसकी और वाइट हो जाएगी, ठीक है। और अगर इधर करूंगा तो ये थोड़ा डार्क अमाउंट भी हाईलाइट होगा, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट को करूंगा तो यहाँ से मैंने इसे हाईलाइट करा लिया इस तरीके से, ठीक है। दो फिल्टर यूज कर लिए मैंने ये वाले। एक और आते हैं, एक देखो इनबिल्ड है, वो सबसे अलग यूज होता है। फिल्टर में जाना, एक ऑप्शन है कैमरा रॉ फिल्टर, ठीक है। इस पे गए तो यहाँ पे पूरी सेटिंग आ जाएगी इसकी, कलर ग्रेडियंट भी कराऊंगा। अब ये जो कर रहे हैं हम इसके ऊपर, यानी लाइक ये क्या करेगा, थोड़ा सा इफेक्ट डाल देगा। तो एक काम करते हैं, पहले इन दोनों लेयर को तो ना स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है।
ताकि दोनों एक ही हो जाए। अब इस पे अप्लाई करते हैं, फिल्टर में गए और ऑप्शन जो है कैमरा रॉ फिल्टर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बेसिक वाला देखेंगे। तो बेसिक वाले में देखो कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब है कि लाइक आपको इमेज में कितनी डार्क चाहिए, यानी कौन सा कलर चाहिए, टेम्परेचर कैसा चाहिए, लाइट चाहिए या डार्क चाहिए। ठीक है, तो इसको तो मैंने नहीं छेड़ा, मुझे इसमें कुछ नहीं करना। एक्सपोजर जो नीचे वहाँ बाहर ऑप्शन दे रखा था वो देखो एक्सपोजर यहाँ भी दे रखा है, तो आप इमेज के कलर के साथ काम कर सकते हो। कॉन्ट्रास्ट कितना रखना है, हाईलाइटिंग एरिया हाईलाइट कराना है तो आप इस तरीके से हाईलाइट करा सकते हो। डार्क करोगे तो देखो डार्क हो जाएगा, हाईलाइट करोगे तो हाईलाइट आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, सारा ये काम मिला है एक कैमरा रो में। इमेज में व्हाइटनेस बढ़ानी है तो व्हाइटनेस आप इस तरीके से बढ़ा सकते हो इमेज में, तो व्हाइटनेस बढ़ जाएगी। और अगर इमेज में देखो ब्लर हो रही है तो आप क्लियरिटी को बढ़ा सकते हो, मतलब इमेज की क्लियरिटी बढ़ जाएगी इस तरीके से। अगर इमेज ब्लर हो रही है तो इमेज थोड़ी क्लियरिटी हो जाएगी यहाँ पे, तो ब्लर को शार्प करने के लिए आप ये क्लियरिटी वाला यूज कर सकते हो। टेस्चर चाहिए फेस के ऊपर तो टेस्चर इस तरीके से लगा सकते हैं ऐसे। और नीचे आते हैं तो ये सारे हमारे बेसिक्स में थे। ठीक है, कर्व का ऑप्शन है, लाइक आपको लाइटिंग किस तरीके से चाहिए, तो लाइटिंग आप जहां क्लिक करोगे उस हिसाब से लाइटिंग आ जाएगी फेस के ऊपर। ठीक है, कैसी लाइटिंग चाहिए, डार्क चाहिए, ऊपर करोगे तो वाइट हो जाएगी इस तरीके से। कितना अमाउंट चाहिए आप ऐसे सेट कर सकते हो, बिल्कुल बीच में करोगे तो मिड में रहेगी। ठीक है, तो मुझे इतनी चाहिए थी। ठीक है, डिटेलिंग शार्पनेस चाहिए इमेज में, तो शार्पनेस आ जाएगी इससे। ये देखो शार्पनेस हो गई इस तरीके की, और करोगे तो कम हो जाएगी। ठीक है, कलर मिक्सचर है, कलर मिक्सचर मतलब दो तीन कलर के अमाउंट को बढ़ाना है, लाइक मुझे पिंक कलर बढ़ाना है इसके अंदर तो पिंक कलर का अमाउंट बढ़ जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ऑरेंज कलर का अमाउंट बढ़ाना है या पर्पल कलर का अमाउंट बढ़ाना है तो ऐसे बढ़ा सकते हो इस तरीके से। ठीक है, स्प्लिट टोनिंग बैलेंस करने के लिए, लाइक कलर करेक्शन को आपस में बैलेंस करना है, मतलब कलर्स को बैलेंस करना है तो आप ये यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो सारे कलर आपस में मिक्सअप से हो जाएंगे। और तो इतना कोई खास इसमें है नहीं, मैं ओके कर देता हूँ। और अब आउटपुट चेक करते हैं क्या हो रहा है हमारे पास। तो अभी हमारी इमेज जो है वो ऐसी हो गई है। ठीक है, कितना अमाउंट चाहिए वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जाना दोबारा से अगर मुझे करना है तो देखो मैंने क्या करा, इसी की डुप्लीकेट कर ली कंट्रोल जे से, मैंने इस वाली लेयर पे क्या करा इसकी आइस को बंद कर दिया तो ये नॉर्मल जैसे थी वैसे ही आ गई है। नीचे वाली लेयर जो रखी है उसके ऊपर मैंने पूरा इफेक्ट दे रखा है, पर मुझे हल्का हल्का इफेक्ट चाहिए वो, तो यहाँ पे मैंने इस वाली लेयर की ऑपेसिटी कम कर दी तो यहाँ पे हल्का हल्का इफेक्ट आ रहा है। तो अब जरा दोनों लेयर को मर्ज कर लेते हैं सबको। तो मैंने सबको सिलेक्ट करके क्या करा कंट्रोल ई कर दिया, कंट्रोल ई से मर्ज हो गई लेयर, सारी लेयर मर्ज हो गई। अब देखते हैं हम कि पुरानी इमेज कैसी थी और नई इमेज कैसी है। तो ओल्ड इमेज अगर आप चेक करोगे तो देखो बहुत फर्क आ जाएगा। तो पहले इमेज जो थी वो ये थी, अब देखो ये इमेज ये है, तो सारे पिंपल्स रिमूव हो गए और स्किन भी सॉफ्ट हो गई है। कितना अमाउंट चाहिए वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। आया समझ में ये आपको? तो देखो यहाँ से सारे जितने पिंपल्स हैं सब रिमूव कर दिए हमने। ठीक है, कौन कौन से टूल थे इसके अंदर हमारे पास? एस से क्लोन टूल आता है, ये क्या काम करता है ये देखो, इसको मैंने पिक किया यहाँ से, देखो ये क्या कर रहा है, क्लोन कर रहा है। देखो आया समझ में? तो ये क्लोन करने का काम करता है, तो क्लोन टूल से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जरा गूगल करते हैं, गूगल में लोगों ने क्या क्या करके करके दिखा रखा है इससे। तो देखो क्लोन टूल से इसने ना ये हटा रखा है, ये जिस पे लिखा होगा ये रिमूव कर रखा है। ठीक है, इसने क्या कर रखा है क्लोन टूल से, इसने इसका ये कान वान के साथ काम किया होगा, इसने ये आंखों को क्लोन किया हुआ है, इसने कहीं से किसी का फेस लेके यहाँ पे क्लोन कर दिया तो वो मिक्स हो गया, इसने वो जो विंडो थी वो विंडो को एक क्लोन करके रखा गया है, एक की कॉपी करी फिर दूसरी यहाँ रख दी। ठीक है, तो ऐसे यूज कर सकते हैं। अच्छा देखो इसने क्या करा क्लोन से ना जितने भी ये जो पड़े हुए थे
वो सब रिमूव कर दिए कि डिटेलिंग से, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। आप क्या करना है, एक पुरानी ओल्ड फोटो लेना, ये काम आ भी जाता है, ओल्ड फोटो टैक्स रिमूव, इस तरीके का काम आता है कि ना ऐसी फोटो मिलेगी, उस फोटो को देखो फोटोशॉप से ऐसा करा हुआ है, फोटोशॉप से क्या कर दिया इसने, इस तरीके से कर दिया, ये देखो ये फोटो थी, ये क्रैक्स सब रिमूव करे, ये फोटो थी, ये क्रैक्स रिमूव करे हुए सारे, ठीक है। ये सब काम हम कर सकते हैं, चलो मैं थोड़ा बहुत करके दिखा देता हूँ आपको ये। तो देखो ये वाली फोटो थी, इसने ऐसी बना दी है, इसे कॉपी कर लेते हैं, इसी की मैं हाफ फोटो ले लेता हूँ, एक जने चला गया है, दो जने दिखा रहे हैं, टू अदर, ये फोटो है, मुझे ठीक करनी है, तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले मैं क्लोन टूल लूंगा, एस दबा के, ऑल दबा के पिक करूंगा। यहाँ पे मैंने क्या करा, ब्रश का साइज उतना ही रखना है जितना क्लोन चाहिए, ऐसे प्लेस कर दिया, फिर अगेन किया, फिर अगेन ऐसे प्लेस कर दिया, इस तरीके से ऑल दबाया, ऐसे प्लेस कर दिया, ऑल दबाया, ऐसे प्लेस कर दिया, इस तरीके से प्लेस मार दिया, अगेन ये देखो, आगे समझ में। तो ऐसे आपको डिटेलिंग से क्या करना पड़ेगा, फोटो को ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। आपको कलर बैलेंस भी देखना है कि कलर बैलेंस कैसा रहा है, फिर उसके बाद आप कलर बैलेंस वो कर सकते हो। तो आपको इसी तरीके से ये लाइनें रिमूव करनी है, तो एक टास्क तो आपके पास इससे ही होगा क्लोन टूल से। और कोई इफेक्ट दिखते हैं, इमेज मैनिपुलेशन, ठीक है। तो देखो इसने क्या कर रखा है, इमेज मैनिपुलेशन कर रखी है क्लोन टूल से, लाइक इसमें क्या चेंजेस है, तो दिख रहा है चेंजेस, अच्छा ये देखो ये इसने गायब कर दिया। चलो तो चलो ये गायब करते हैं, जैसे ये फोटो है, मुझे ना फोटो में से ना किसी को गायब करना है, ठीक है। क्लोन टूल से भी गायब कर सकते हो, दूसरा टूल मैंने बताया था उससे भी गायब कर सकते हैं, इस वाटर स्पोर्ट सर्च करते हैं, ठीक है। चलो मुझे ना क्या करना है, इसको गायब करना है, अरे यार ये तो फोटो ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है। कौन सी फोटो है हमारे पास, ये भी एक को गायब कर देते हैं, बहुत सारे टूल है गायब करने के लिए। ये वाली फोटो ली मैंने, अब मुझे इसे गायब करना है, तो हम क्या करेंगे, जितना एरिया पहले तो उसका सिलेक्शन कर लेंगे, तो लेसो टूल से सिलेक्शन तक करेंगे ताकि प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन आ जाए। ये लेसो टूल लिया, उसी शेप में आ जाएगा इससे। और देखो मैंने शिफ्ट F5 करा, शिफ्ट F5 फंक्शन के साथ कर रहा हूँ मैं, और या फिर अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता तो एडिट में जाना और फिल में जाना और यहाँ से कंटेंट अवेयर चूज कर लेना और ओके कर देना। तो देखो कुछ फर्क पड़ा, गायब हो गया ये, ठीक है। तो हल्की हल्की शेडो रह गई थी, तो मैं शेडो को भी गायब कर लेता हूँ, ऐसे सिलेक्शन किया और वही Shift F5 कंटेंट अवेयर, तो देखो रिमूव हो गया पूरा, ठीक है। करा क्या, हुआ क्या, ये हुआ ये है कि इन्होंने क्या करा, जितना मैंने इसे सिलेक्शन बनाया था इतने इतना एरिया यहाँ ड्रैग कर दिया, ठीक है। अगर अगेन करके देखते हैं, Shift F5, ठीक
ये देखो, आगे समझ में, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। शिफ्ट F5, कंटेंट अवेयर, रिमूव हो गया। समझ में आया ना? तो ये टूल भी है हमारे पास करने के लिए, या दूसरा टूल यूज कर सकता हूं मैं। क्या करता है यहाँ पे, मैंने एक टूल बताया आपको, पेस्ट टूल है। पेस्ट टूल कहाँ मिलेगा? जे दबाना, इसके अंदर आ जाएगा। देखो ये रहा, इसको उठा के मैंने ऐसे ड्रैग कर दिया। ऐसे भी तो ये भी काफी काम आता है। तो लाइक कभी कभी क्या होता है ना, वाटर मार्क लगे हुए हैं टेस्ट, अगर जो वाटर मार्क रिमूव करने हैं, या फिर कोई प्रोडक्ट के ऊपर कुछ लिखा हुआ है वो रिमूव करना है, तो हम इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो ये भी काम है इसका, और देखते हैं। हाँ, हाँ बोलो। ये मेरा क्वेश्चन है सर। हाँ जैसे हम रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है सर, तो हाँ उसको 1% मतलब कितना भी लाइट, बहुत लाइट, उसको राउंड करने होते हैं सारे, और चारों कॉर्नर कैसे करते हैं सर? चारों कॉर्नर राउंड करने हैं किसके? रेक्टेंगल के। लाइट हाँ, बहुत बहुत लाइट, वो कैसे होते हैं? यहाँ से जाओ, ये रेक्टेंगल लो, राउंडेड रेक्टेंगल लेना, और यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल ऐसे सेट कर लेना। देखो राउंडेड रेक्टेंगल आ रहा है यहाँ पे, कितना राउंड करना है वो सेट करना यहाँ से। और यहाँ पे देखो रेडियस लिखा होता है 100, अगर मुझे कम करना है तो मैं 10 कर दूंगा यहाँ पे, तो 10 पिक्सल राउंड हो जाएंगे। तो अब मैं ड्रॉ करके देखता हूँ दोबारा, ये तो नहीं होगा, दोबारा ड्रॉ करेंगे तो 10 पिक्सल आएगा। देखो यहाँ पे 10 पिक्सल सेट कर दिया, तो अब 10 पिक्सल कॉर्नर राउंड आ रहे हो। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अच्छा तो देखो यहाँ पे अब इसने क्या कर रखा है, इसने ये कार बना रखी है। अब इसमें कार में कुछ देख रहे हो क्या हो रखा है? इसने क्या कर रखा है, क्लोन स्टैम्प टूल से ना आधी कार को पीछे लगा रखा है। तो एक टूल और है, वो भी देखते हैं इसके अंदर। इसने यहाँ ये रिमूव कर रखा है। चलो तो एक काम करते हैं, चलो इसी को देखते हैं इसने क्या किया हुआ है। ये वाले फैटम में ऐसी कार निकाल लेते हैं। छोड़ लेते हैं, लेते हैं डॉग, ठीक है। अब कोई है फोटो? हाँ सर, ये वाली है, ठीक है, ये बहुत खतरनाक होता है कुत्ता। कॉपी इमेज, देखो मुझे ना ये वाला कान ना इधर लगाना है। पहले तो मैं ये वाला कान हटाया था, उसका व्यू आएगा नहीं, पर एक बार देख लेते हैं फिर भी। ये कान हटाया था मैं, तो ये हटाने के लिए हमने क्या करा, रैप टूल लिया, तो जे उठा के ऐसे सेट कर लिया, ठीक है। या ये वाला कलर दे देते हैं, क्लियर है? तो हमने इस तरीके से कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, क्लोन टूल लेता हूँ, ठीक है। देन इसके बाद हम इसे ना पिक करेंगे, ऑल दबा के, ऑल दबा के पिक कर लेंगे। तो ये देखो पिक हो गया यहाँ पे, और अब ये मुझे राइट साइड पे चाहिए। तो राइट साइड पे चाहिए, तो आप यहाँ से जाना व्यू के अंदर, सॉरी विंडो में जाना। आप इसमें विंडो में देखो एक ऑप्शन मिलेगा आपको, क्लोन सोर्स। और क्लोन सोर्स में आपको इसे फ्लिप कर देना है, तो इससे क्या हो जाएगा, देखो उल्टा आ जाएगा। ये मैंने डबल क्लिक किया,
तो ये देखो ये उल्टा आ रहा है, पर मुझे अलग लेयर पे चाहिए। तो अलग लेयर पे लेने के लिए आप एक नई लेयर क्रिएट कर लेना, यहाँ पे ऑल लेयर का ऑप्शन चेक होना चाहिए, ठीक है। और अब इस पे चेक करते हैं हम, तो देखो मैंने ये ऐसे अप्लाई कर दिया, मुझे पूरी नहीं चाहिए इमेज, तो मैं इसे मास्क कर दूंगा और ब्रश लेके ब्लैक कलर का ब्रश ले लेके और इसको ऐसे हटा देते हैं। फोटो मुझे सबसे लेनी पड़ेगी। आया समझ में आपको? तो हमने क्या करा, इसे फ्लिप कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो लोगों ने यहाँ से किया था और फ्लिप करते टाइम हमने यहाँ पे लगा दिया इसे, ठीक है। तो हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं इसको, क्लोन टूल। हमने तीन चार टूल कवर करे आज इसमें, कौन कौन से टूल बता दिए मैंने आपको, क्लोन टूल बताया, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल बताया, पैच टूल बताया, कंटेंट अवेयर टूल बताया, हीलिंग ब्रश टूल नहीं बताया मैंने। मैं एक बार हीलिंग ब्रश और बताता हूँ, जैसे कि क्लोन है ना, बिल्कुल क्लोन की कॉपी एक हीलिंग ब्रश टूल भी है। वो कहाँ मिलेगा आपको? आप जे प्रेस करना तो ये टूल आ जाएगा, इसको होल्ड करके रखना, यहीं पे आएगा हमारे पास। शिफ्ट जे करते हैं, ये वाला हीलिंग ब्रश टूल है, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, जैसे आप इसे पिक करना, ऑल दबा के, ऑल दबा के पिक करना, वैसे कहीं पे भी लगाना आपने अपने हिसाब से लगा सकते हो। ये देखो वैसा ही बिल्कुल क्लोन की तरह ही काम कर रहे हैं, ठीक है। पर इसमें थोड़ा सा इतनी क्लैरिटी नहीं आती, तो क्लोन ज्यादा यूज होता है। क्लोन से आप ना मूवी के पोस्टर भी बना सकते हो। मुझे एक मूवी का पोस्टर बनाना है, पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक फोटो ले लेते हैं, बैटमैन इमेजेस। मैंने ये वाली फोटो ले ली, ठीक है। और यहाँ पे ओपन इमेज इन न्यू टैब कर लिया, कॉपी किया इमेज को, और यहाँ फोटोशॉप में गए, एक नई फाइल ले लेते हैं, इमेज में गए, रिवील ऑल। इससे क्या होता है, जो अगर इमेज बाहर निकल रही है तो वो आ जाएगी। तो ये मेरा पोस्टर है, ठीक है, मुझे सिर्फ इतना पार्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एस दबाइए, क्लोन टूल, ऑल दबा के मैंने पिक कर लिया, यहाँ पे ये पिक हो गया। अब इसे नई लेयर पे पेस्ट करना है मुझे, तो मैं पहले कलर दे देता हूँ इस पे, और एक नई लेयर ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, जो हमने पिक किया था ऊपर लेयर पे ले लेते हैं। देखो मैंने इसे यहाँ ले लिया, दो बार क्लिक करा, मिक्स हो गया होगा ये। अब इसकी आईज को बंद कर लेते हैं, तो कोई मिक्स हो गया, ठीक है। कहाँ रखना है, ऐसे सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब एक और लेके चलते हैं, ये समझ में आ गया। अब मुझे एक वो चाहिए, जोकर चाहिए, ये वाली इमेज पिक करनी है, कॉपी इमेज, और इसको भी हम उठा के यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, और एस दबा के क्लोन टूल ले लेते हैं। पहले इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ मैं, एस दबा के क्लोन टूल ले लेते हैं। और अभी मैंने देखो उसे ना चेक कर रखा है, तो ये देखो उल्टा अपोजिट ले रहा है। देखो अभी यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा, पर आपको ऑन करना है, फिर नई लेयर लेनी है। अब आप ऐसे यहाँ पे प्लेस कर सकते हो इस तरीके से, तो ये देखो मैंने प्लेस कर दिया। अब इसकी आइज को बंद कर देना, तो दोनों देखो मिक्स हो गए, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आपको पोस्टर बनाना है, तो आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो मूवी के पोस्टर में काम आ जाएगा ये हमारा क्लोन टूल, तो आपको पिक करना है ना, मिक्सअप हो जाएगी अपने आप, ये देखो, ठीक है। तो आप इस तरीके से मिक्सिंग करके पोस्टर डिजाइन कर सकते हो, तो ये यहाँ काम आ जाएगा हमारा।
तो आज आपने क्या करना है, कलर करेक्शन करनी है और एक मूवी का पोस्टर बनाना है इस तरीके मिक्सिंग करके, ठीक है? और फोटो रिटचिंग करनी है। आप इस तरीके से फेस की रिटचिंग कर सकते हो, जितनी डिटेलिंग दोगे उतना सही आएगा। तो देखो इन्होंने क्या कर रखा है, ये देखो पहले फेस ऐसे था, ऐसा हो गया, ठीक है? देखो इसने इसने क्या करा हुआ है, इसने ना दो चीजें यूज करी है, फोटोशॉप भी यूज किया हुआ है, इसने लाइट रूम भी यूज किया हुआ है। एक लाइट रूम में टोनिंग होती है, आप लाइट रूम को मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं फोटोशॉप से। तो उसमें आप कनेक्ट करके ना लाइक इस तरीके से जैसे स्किन इफेक्ट होता है वो आ जाता है इसमें, जो थोड़ा एचडी लुक दे देते हैं। तो आप इस तरीके से फेस रिटचिंग कर सकते हो, ठीक है? तो आपने ऐसे ना फेस रिटचिंग करनी है, आपने बिफोर आफ्टर बनाना है। बिफोर आफ्टर कैसे बन जाएगा, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे ये एडिटिंग कर ली थी, कौन सी वाली फाइल थी हमारी, ये वाली थी शायद, ठीक है? अब आपको बिफोर आफ्टर बनाना है तो आपने क्या करना, इसको पिक करना और उठा के यहाँ रख देना स्क्रीन से बाहर, ठीक है? फिर इमेज में जाना और रिवील ऑल कर देना। तो देखो हमारे पास दोनों इमेज आ गई आपने सामने, ठीक है? तो ये बिफोर हो गई, ये आफ्टर हो गई। तो आज आपने इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है? बस इतना करवा।